और रहे कि नहीं अब? चलिए जो भी है हम लोग शुरू करते हैं। तो जस्ट हम देखें कितने लोग आ गए हैं। 10 लोग, मुझको छोड़ के 9 लोग होंगे टोटल। इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों आ रही है क्लास में? कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक आपका है वायरिंग का, और वायरिंग में जो हम लोग को करना है आज, मैंने इसमें डिटेल में दिया था कि हम लोग स्विच बोर्ड कनेक्शन के बारे में आज जानेंगे हैं। ठीक है, तो स्विच बोर्ड कनेक्शन मतलब कि मेन वायरिंग जहां से शुरू होती है उसमें जो भी कनेक्शंस और सारे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे आज। यस डिस्कस सर। अबाउट द टाइप्स ऑफ वायरिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग कनेक्शन, एनर्जी मीटर टू स्विच बोर्ड, वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मेन स्विच एंड द फॉलोइंग। ये हमारा आज का टॉपिक है। और एक एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आपको एक लिस्ट बनानी है अपने घर में जितने भी तरह के हाउस वायरिंग से रिलेटेड चीजें आपको दिखती हैं उसकी लिस्ट बनाइएगा, और उसकी डिटेल को भी साथ में लिखिएगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग, पहले जो हमारा टॉपिक है पहले मटेरियल के बारे में जान लेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल में पता है आपको कि 3 तरह का मटेरियल है, एक कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग और सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर कुछ स्पेसिफिक जगह पे यूज होता है, बाकी हम लोग कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल को ज़्यादा यूज करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल सिंपल, जो वायर हमारा है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, और जो वायर के ऊपर जो एक इंसुलेटेड कोटिंग होती है दैट इज द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल है। या जैसे आपको स्विच होता है, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए आपको इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत होती है, नहीं तो फिर आप ये स्विच ऑफ ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। तो सबसे पहले कंडक्टिंग मटेरियल में हम लोग वायर की बात करेंगे। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है कंडक्टिंग वायर्स। तो वायर बच्चों वायरिंग में 2 तरह के यूज होते हैं, या तो वो कॉपर का होता है या तो एल्युमिनियम का होता है। इसके अलावा सिल्वर वायर भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा वो कॉस्टली होता है इसलिए उसको कम यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है। घर की वायरिंग में या तो एल्युमिनियम वायर या कॉपर वायर यूज करते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा सा कॉपर से सस्ता होता है, तो वो डिपेंड करता है अपने बजट पर, लेकिन कॉपर वायर ज्यादा अच्छा होता है यूज करने के लिए। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज इन अ वायरिंग मटेरियल इन केबल, इट हैज अ लो रेजिस्टेंस, इट हैज अ लो रेजिस्टेंस बस एल्युमिनियम, और थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर में, और सिल्वर वाइट कलर का इसका कलर होगा, और ये भी वायरिंग यूज होता है। और इसके बाद में कुछ वायरिंग एक्सेसरीज के बारे में बता दें आपको, से छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं आप लोग, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं 6th में 7th में भी। स्विच जिसमें वन वे स्विच, टू वे स्विच, ये मैं सब आपको बताया हूँ, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे यहाँ पर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और कॉपी में अपने नोट भी करते चलिएगा। स्विच के डायग्राम लिए हैं, स्विच में आप पहचान पाएंगे कौन सा वन वे है कौन सा टू वे है, जिसमें पीछे 3 टर्मिनल है दैट इज द टू वे स्विच, और जिसमें 2 टर्मिनल है ये वन वे स्विच है। आगे से देखने में एक जैसा होता है लेकिन बैक साइड से इसके कनेक्शन अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्विच होती है, इंटरमीडिएट स्विच एक स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज की स्विच है, ये दो टू वे स्विच को मिला करके बनाया जा सकता है। और इसके बाद में बेड स्विच होती है, होल्डर्स यूज होते हैं, पेंडेंट होल्डर,
बैटन होल्डर, और इसके बाद में ये होल्डर के डायग्राम भी दिख रहे हैं आपको। सीलिंग रोज, सीलिंग रोज का पर्पज है कि जहां पर फैन के लिए सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है। हाँ सर प्रिंस कुमार सर, ये रजिस्ट्रेशन वाला जहाँ पर है जल्दी करो, क्लास है ना, सब इसी में है। जस्ट अ सर, मिनट बच्चों, फादर प्रिंसिपल। सर 3 लाख फोटो इस समय तो हाँ फोटो है सर, 300 रुपये जमा करना है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चे, मॉर्निंग। ओके ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो सीलिंग रोज की हम बात कर रहे थे। सीलिंग रोज जो होता है वो जहां पर मतलब जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, उसके लिए जो सप्लाई प्रोवाइड करी जाती है वो सीलिंग रोज होता है। अगर आप अपने घर में भी अभी नजर डालिए तो जहां पर पंखे लगे होंगे वहां पर बगल में आपको गोल कलर का ऐसे दिखेगा, गोल सा, दैट इज द सीलिंग रोज। ये टेम्परेरी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये सिर्फ सेंटर में जैसे छत में वायरिंग नहीं हो पाती है या नहीं है लाइट वहां लगी है या फिर परमानेंट वायरिंग वहां नहीं हो पा रही है, तो फैन के लिए प्रोवाइड करने के लिए वहां पहले से डाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग सॉकेट, सॉकेट आपको मालूम है 3 पिन, 5 पिन, 2 पिन, सारे सॉकेट्स हैं। मटेरियल बहुत सारे यूज होते हैं लेकिन कुछ बेसिक बेसिक हम बात कर ले रहे हैं। मेन स्विच की बात करेंगे। मेन स्विच में आपको दिख रहा डायग्राम में पहला एमसीबी, फ्यूज वाला जो पोर्शन हमारा है, फ्यूज के लिए एमसीबी बॉक्स। कुछ मैंने एमसीबी को यहाँ पर बहुत जूम करके दिखाया हुआ है। ये अलग अलग एम्पियर रेटिंग के हिसाब से अवेलेबल होती है, 32 एम्पियर, 20 एम्पियर, 8 एम्पियर, तो जैसा जहां जिसकी जरूरत होती है वो यूज करना है। अब वायरिंग में बात करेंगे हम लोग। पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रचलन में है वो या तो पाइप वायरिंग होती है या तो बैटन वायरिंग होती है। तो पीवीसी कैसी कैपिंग वो बैटन वायरिंग होती है। ये एक तरह का ओपन वायर होता है और इसको ऊपर से कवर किया जाता है पीवीसी मटेरियल का। तो पीवीसी कैपिंग डन अंडर द कवर ऑफ द वायर, इट इंक्लूड केसिंग आल्सो। द केसिंग कैपिंग वायरिंग आल्सो नोन एज ओपन वायरिंग, इसको ओपन वायरिंग भी कहा जाता है। इसमें जब भी कोई फॉल्ट होता है तो इजिली हम लोग वायर को ओपन करके देख सकते हैं कवर को हटा करके। इसमें वायर, इसका केसिंग कैपिंग, क्लिपिंग और टी ज्वाइंट, जंक्शन बॉक्स, एल्बो केसिंग, ये सारी चीजें यूज होती हैं। ये मैं नीचे डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे केसिंग कैपिंग के एसेसरीज हैं। तो केसिंग कैपिंग की जो भी एसेसरीज होती है यूज में वो दी गई है इसमें। कंड्यूट वायरिंग होती है दूसरी, जो पाइप वायरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस में ज्यादा यूज होती है, वहां पर ओपन वायरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट आर यूज प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइड द रूट ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट आर मेड ऑफ द मेटल, प्लास्टिक, फाइबर, जो भी मतलब किसी भी चीज से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेटल का पाइप होगा तो वो फायर सेफ्टी से भी बचाता है, आग से बचाएगा, और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स में जो मेन वायर्स ले जाने के लिए ये कंड्यूट वायरिंग यूज की जाती है। इससे अंडरग्राउंड वायरिंग भी की जा सकती है, और जो मटेरियल वहां पर यूज हो रहे थे वही सारे मटेरियल यहाँ भी हैं। एल्बो, कपलिंग, लॉक नट, क्लिप, पीवीसी, क्लोराइड इंसुलेटेड केबल, जंक्शन बॉक्स, सारी चीजें इसमें भी यूज होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे वायर्स की। वायर में जो नया स्टैंडर्ड आया हुआ है उसमें मेनली आपके डोमेस्टिक वायरिंग है तो फेज के लिए रेड कलर यूज होता है और न्यूट्रल के लिए व्हाइट यूज होता है या ग्रे यूज होता है। कहीं कहीं पे लोग ब्लैक भी यूज करते हैं, लेकिन ग्रीन वायर और या फिर येलो ग्रीन वायर जो होता है, येलो ग्रीन कवर का, वो सिर्फ ग्राउंड वायर के लिए यूज होगा, अर्थ के लिए यूज होगा। अभी इसको हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा वायरिंग के लिए जो मटेरियल में जो वायर के कलर कोड है वो यूज किए जाते हैं।
कलर कोड इसलिए यूज करना अच्छा होता है कि मान लीजिए जिस वायर मैन ने आपकी वायरिंग की हुई है और कभी कोई होता है और वो वायर मैन अवेलेबल नहीं है, तो कोई नया अगर वायरिंग चेक करने आएगा तो उसको कलर कोड उसको याद होते हैं कौन से कलर की कौन सी वायरिंग होगी, कौन सा वायर होगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेन टॉपिक बच्चों हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, कनेक्शन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। हमको बात करनी है घर में आपके जो होता है, तो आप देखे होंगे बाहर की मेन लाइन से आपके छत पर एक वायर आता है, एक छोटा सा पोल लगा होगा, उस पोल के थ्रू वायर को घर के अंदर ले जाया जाता है। ऊपर दिख रहा है आपको टॉप में, यहाँ पर दो फेस की वायरिंग है, न्यूट्रल वायर और रेड कलर और ब्लैक कलर के फेस वायर दिखाए गए हैं। तो ये रूफ टॉप पर होता है, छत पर। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे इसको डिटेल में हम लोग, कि जो वायर हमारे पास आता है उस वायर का पहले मीटर में कनेक्शन होता है। यहाँ पे दिख रहा है, आप दिखाया डायग्राम में, पहले ये मीटर से होकर के हमारे ये मेन पैनल में आता है। मेन पैनल का डायग्राम अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे और साथ में हर ब्रांच का सर्किट जाता है यहाँ से। तो ये तो एक ओवर ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं हम, अभी इसको डिटेल में देखते हैं। तो केबल जो हमारी यूज होगी, तीन कलर मैंने बोला है कि एक ब्लैक, ब्लू या रेड, जो भी आप यूज कर सकते हैं, और बीच में एक ग्राउंडिंग वायर के लिए येलो ग्रीन कलर का यूज किया गया है। तो इसके बाद में कुछ इसमें अर्थिंग भी की गई है, आप ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये रेड कलर से ग्राउंड वायर को दिखाया गया है। इस ब्लैक डायग्राम में दिख रहा है आपको, जो हमारा मेन पैनल बॉक्स है, मेन पैनल बॉक्स से एक रेड कलर का ये ग्राउंड वायर जो कनेक्ट किया गया है ग्राउंड से, वो दिख रहा है ये। तो ये ग्राउंडिंग के लिए हो गया। अब इसके बाद में ग्राउंड अगर नहीं होता है तो क्या होता है देख लीजिए आप। आपका अगर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी मटेरियल का जो भी डिवाइस है, उसमें अगर ग्राउंडिंग नहीं की हुई है, फेज और न्यूट्रल दो वायर केवल अगर आया है, तो कल को अगर कहीं कोई फॉल्ट होता है या इसमें बॉडी में इसके करंट आता है, तो वह सीधे उसके लिए ग्राउंडिंग का काम करेंगे और सारा करंट आपको लगेगा। अगर यहाँ पर लोग तीन टर्मिनल का डिवाइस यूज़ करेंगे जिसमें एक ग्राउंड वायर भी यूज़ करेंगे, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये वायरिंग का एक बेसिक पार्ट है। सर थोड़ा सा लगता है, क्या हुआ सर? थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा लगता है, वो आप मान लीजिए रबड़ की चप्पल भी पहने उसके बाद भी आपको शॉक नहीं फील होगा, लेकिन अगर ग्राउंड नहीं किया है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद एक वायरिंग प्लान मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ये मेन वायर हमारा घर में आता है, मीटर के बाद ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जहां से ये देखिए हर रूम के लिए वायर को थ्रू वॉल ले जाया गया है। तो ये एक ओवरव्यू डायग्राम है, सिंपली इसमें फेज और न्यूट्रल वायर को और अर्थ वायर को हर रूम तक पहुंचाना होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बारे में ही बात करेंगे। ये आपका एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एनर्जी मीटर से लेकर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक का कनेक्शन है। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर से बाहर से दो वायर आया हुआ है, इसको थोड़ा सा और हम लोग जूम कर लेते हैं तो उसको डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर में हमारी दो सप्लाई आती है, फेज और न्यूट्रल, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमको प्रोवाइड करता है। इस वायरिंग से एनर्जी मीटर का कनेक्शन जब इसमें हो जाता है, आउटपुट इसका दोनों हमारा, अब हमारा तैयार है मेन पैनल में जाने के लिए। आप देखेंगे कि मेन पैनल में ये आ गया दोनों वायर नीचे से, और ये पहला जो एमसीबी लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटर। ये पूरे कनेक्शन को कंट्रोल करता है एक साथ, फेज और न्यूट्रल को। और इसकी खास बात है कि इसके जहां से मीटर से ये लाइन आई है, इसमें भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो ये आइसोलेटर ट्रिप करता है, ऑफ करता है। ये देखिए 63 एम्पियर का लगा है, ये जनरली मैक्सिमम साइज का है घर की वायरिंग के लिए। इसके बाद में ये दोनों वायर
एमसीबी में जाता है, ये पहला स्विच हमारा है जो पूरे पैनल को कंट्रोल करेगा, और इसका जो आउटपुट निकल रहा है नीचे रेड कलर से, वो देखिए सब एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है आपस में, ठीक है। और उसके ऊपर में जो ये लाइन निकल रही है रेड कलर की लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, जो ये हर रूम में जाने के लिए है। ये जैसे आप इसके ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे थे जहां पर वो हाउस का डायग्राम बना हुआ था, तो ये हर रूम में जाने के लिए रेडी है। यहां पर एक जो न्यूट्रल वायर है उसको न्यूट्रल लाइन का एक पैनल होता है मेटेलिक, उसमें ला करके कनेक्ट किया जाता है। अभी जो नई वायरिंग है उसमें ऐसे ही दिखेगा आपको, और यहां से हर रूम के लिए न्यूट्रल वायर को रेडी किया जाएगा जाने के लिए। तो इसका मतलब एमसीबी सिर्फ फेज वायर में लगी होती है। इसके बाद में ये ग्राउंड वायर जो है अर्थिंग की होगी घर में आपके, और अर्थिंग के बाद यहां से ये अर्थ के लिए वायर निकाले हुए हैं जो हर रूम में अलग अलग ये जाता है। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम है मीटर पैनल का, हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन का उसके लिए बना हुआ है। तो बच्चों बेसिकली आज हमें इसमें इतना ही बताना है। अब इसके बाद में जो भी आपका बेसिक इसकी चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। इस वायरिंग को आप समझ लिए हैं, घर में भी अपने आप चेक करिएगा अगर नई वायरिंग होगी या पैनल आपका देखिएगा, तो जो भी पैनल है उसको आप स्टडी करिएगा। और आज हम आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं इसी के लिए, आप जब भी स्टडी करिएगा अपने पैनल का एक वीडियो बनाइएगा, पहले आप अपना कैमरा मोबाइल का ऑन करके और वीडियो मोड में इसको रिकॉर्ड करिएगा, पैनल को अपने मीटर को और मेन एमसीबी को। रिकॉर्ड करने के बाद में आप अपने फेस के सामने रख करके इसके सारे डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं इसको और करके इसको हमको आपको सेंड करिएगा। तो ये मतलब आज का जो वायरिंग का लेसन था, थोड़ा छोटा ही था लेकिन मैंने इसको जल्दी करने की कोशिश की है क्योंकि हमें थोड़ा सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन वर्क काम भी है। इसमें अगर कोई डाउट आपको हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर आप जो असाइनमेंट बोले हैं उस असाइनमेंट में क्या एक्सप्लेन करना है? सर पैनल के अंदर का वायर तो नहीं ना देख सकते हैं। असाइनमेंट में अपना पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा मोबाइल सामने रख करके, वीडियो ऑन करके कि माय नेम इज दिस, आई एम रीड इन क्लास एट ए, अभी जो भी सेक्शन आपका है, और टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वन वीडियो इन अ डब्ल्यू ई एक्टिविटी। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं अच्छे तरीके से कि मैं आज एक डब्ल्यू ई की एक्टिविटी करने जा रहा हूँ जिसमें हम अपने मेन पैनल के बारे में या मेन वायरिंग के बारे में आपको हम बताएंगे घर के। लेकिन घर की वायरिंग अगर ठीक होगी तभी बनाइएगा। उसके बाद में कैमरे को अपना फ्रंट मोड में ऑन करके अपने पैनल का डायग्राम वीडियो ले लीजिएगा, उसमें आप चाहे तो पीछे से कमेंट्री करते जाइएगा, ये हमारा मीटर है, ये एमसीबीज है, कमरे के लिए यहाँ से वायरिंग जा रही है आगे, एमसीबी कितने एम्पियर की, अगर आपको विजिबल होगा तो देख के बताइएगा। बस मुश्किल से 1 या 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो आपको एक बनाना है और बना करके इसको आप हमको सेंड करिएगा। अभी तो डाउट क्लियर है? यस सर। हाँ तो ये करिएगा एक्टिविटी जरूर आप। अब इसमें अगर आपको अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है वो। सर अर्थिंग नहीं समझ में आता है। अर्थिंग का चैप्टर बच्चे 9th क्लास में अलग से है, और वैसे कहिए तो मैं आपको अर्थिंग के बारे में, आर्थ के नीचे वाटर में एक वर्ड लगाया जाता है उसे दिखा दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अर्थिंग आप कहते हैं 9th का सिलेबस है, तो थोड़ा मैं आपको दिखा दूं। इसको हम लोग 9th में डिटेल में पढ़ेंगे अर्थिंग को, ये पूरा हमारा अर्थिंग का टॉपिक है। स्क्रीन मेरी विजिबल है आपको? यस सर।
यस सर। आपकी स्क्रीन पे अर्थिंग का पूरा एक लेसन अभी आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका बेसिक्स। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा है अर्थिंग का, तो ये एक 9th क्लास का एक चैप्टर है अर्थिंग में। बच्चों ये बता दूं आपको, इसमें एक हम लोग प्लेट यूज करते हैं, कॉपर की प्लेट होती है, उसको वो 60x60x3.18 mm की एक प्लेट होगी कॉपर की, मतलब 2 फिट बाई 2 फिट की एक प्लेट होती है, दिख रही है आपको। इस कॉपर प्लेट को करीब करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में या 3 मीटर की लेंथ का एक गड्ढा खोद करके इसमें डाला जाता है, और यहां से एक वायर, अर्थ का वायर होता है लोहे का, उसको कनेक्ट करके बाहर लाया जाता है। इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि यहां से इसकी नमी को मेंटेन करने के लिए हम लोग पानी डालने का अरेंजमेंट कर सकते हैं पाइप से। अगर जमीन आपकी ज्यादा नमी है तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जनरली जहां पर सूखी जमीन होती है वहां पर पानी का अरेंजमेंट भी करना होता है। और यहां पर करीब इस पूरे कॉपर प्लेट को एक कोयले के मतलब और नमक मिला हुआ वहां पर तो बनाते हैं मटेरियल, और उसमें डाल करके रखा जाता है ये, जो पूरी नमी को मेंटेन रखता है, और यहां से वायर को बाहर निकाला जाता है। इसमें साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है, वो प्लेट से अर्थ वायर को कनेक्ट करने का डायग्राम दिया है, जिसको बाकायदा नट बोल्ट से कस के निकाला जाता है। तो ये अर्थिंग का एक है, आप इसको 9th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से पाइप अर्थिंग भी होती है, तो अर्थिंग कोई सी भी यूज करते हैं, जैसी यूज करेंगे आप, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ओके okay. तो अभी हम तो अभी हम थोड़ी देर में ये वाला जो लेसन है मैं आपको सेंड कर दूंगा अपनी कॉपी में, और आज हम लोग अपना सिलेबस एक बार देख दे, मैं आपको दिखा कि हम लोग आज अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं WE में। आपको ये जान करके ताजुब होगा कि हमारा जो कोर्स है क्लास 8th के लिए WE कंप्लीट है, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को उन्होंने पूरा कर लिया है। आप एक बार देखिएगा, मैं सिलेबस आपको पहले भेज चुका हूँ, ऐसे फिर ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन में, थोड़ा सिस्टम मेरा है, तो उस सिलेबस को आप देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा हम लोग थ्योरी पूछ, इसके बाद में अब आपकी तरफ से हमको एक्टिविटी चाहिए। आप अपने में जितनी भी एक्टिविटी पढ़ाई है आपको, आप उसका कोई भी पिक्चर वीडियो या कोई भी एक्टिविटी या कुछ क्राफ्ट वर्क भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करके भेजिएगा। अब हम लोग अगले सेशन से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी का टॉपिक देंगे। देखिए आपको मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, देखिए सेफ्टी ग्रुप में दिया है, फंक्शन हमने हाउस वायरिंग का जो टॉपिक किया है, टाइप ऑफ वायरिंग, मटेरियल रिक्वायर्ड, कनेक्शन फ्रॉम एनर्जी मीटर टू स्विच बोर्ड, वायर डिस्ट्रीब्यूशन।
कंपोनेंट भी हो गया, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड बल्ब, ये लिया वर्क पावर एनर्जी पहले ही कराया मैंने आप, सोर्स ऑफ एनर्जी और मैग्नेट, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कर लिए जो येलो कलर से दिख रहे हैं। इसके साइड में सारे ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ये आपका फिजिक्स हम लोग यहाँ होंगे तभी कर पाएंगे। तो थ्योरी में हमारा इलेक्ट्रिकल पोर्शन इलेक्टिव का कंप्लीट है। अब हम लोग इसमें कुछ आगे की एक्टिविटी आप कर सकते हैं चाहे तो, जिसमें ये क्राफ्ट एक्टिविटी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पेपर वर्क, आर्गेमी, बैम्बो, वुडक्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग, पेपर बनाना, डस्टर मेकिंग, कैंडल मेकिंग, चॉक मेकिंग, ये सारी चीजें हैं कर। तो अब नेक्स्ट सर आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है? यस सर, मैं वीडियो ऑफ करना जाएगी। हाँ अभी क्लियर आएगी। तो मतलब इलेक्टिव पोर्शन हमारा कंप्लीट है और अब हम लोग कुछ कोर एक्टिविटी के बारे में करेंगे। सारी एक्टिविटी क्या है? ठीक है बच्चों, और क्वेरी एक आती है तो आप पूछ सकते हैं अभी, और अभी थोड़ी देर में लेसन भेज रहे हैं। हाँ पर्सनल व्हाट्सएप पे वीडियो बनाना भेजना है या फिर आपके ग्रुप में? ग्रुप में कैसे भेजोगे? ग्रुप में भेजने स्पेशल कंसेंट मैसेजेस है नहीं, आप बच्चे ग्रुप में आप वीडियो कहीं बनाइए। सुनिए, जब आप उसको भेजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप, क्लास 8th आपका जो ग्रुप है उसमें भी भेज देंगे, मुझे मिल जाएगा। आप केवल वीडियो बना के जब भेजिएगा तो उसमें लिख दीजिएगा WE एक्टिविटी बस, तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर आपका सेटिंग बंद होगा तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सब लोग बनाइए इसको। आप कुछ भी जो भी एक्टिविटी करते हैं हम जितना मैंने आपको बताया है उसमें कुछ भी पता बना सकते हैं आप, ठीक है? तो अब आप चाहे तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब मेरा जो टॉपिक आज का था ये कंप्लीट है और मटेरियल में भेज रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में भी आप इसको लिख सकते हैं डाउट को। सर क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा। क्या कर दें? क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ क्लासरूम अपडेट करेंगे, अभी नहीं कर देंगे हम, उसके लिए परेशान मत होइए आप।